नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक स्वीट की रेसिपी लेकर के हाजिर हूँ, दिवाली स्पेशल स्वीट। तो देखिए, आज मैं बनाऊंगी यहाँ पे बेसन और नारियल की बर्फी, जो बहुत ही स्वादिष्ट झटपट से बनेगी। और ना ही चाशनी तैयार करनी है, ना बेसन और नारियल को भूनना है, बस सब मिक्स करके एक साथ हम फटाफट से अभी बनाएंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आप देखते रहिए। मैं यहाँ पे 2 कटोरी ले रही हूँ नारियल का बुरादा, नारियल पाउडर। मार्केट से भी आप ले सकते हैं, घर में भी आप बना सकते हैं। छिलका यदि उतार के बनाते हैं तो छिलका के साथ ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, 2 कटोरी बेसन भी मैं साथ में डाल रही हूँ। 2 कटोरी मैं नारियल ली हूँ और 2 ही कटोरी मैं यहाँ बेसन डाल रही हूँ। आप इसका माप से भी लेंगे तो बिल्कुल एक बराबर माप से लें तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। गैस नहीं जलानी है अभी, बस गैस के ऊपर मैं कढ़ाई डाली हूँ ताकि आपको यहाँ दिखा सकूँ मिलाते हुए क्या क्या मैं इसमें मिला रही हूँ। मैं जितना डाल दी नारियल का पाउडर, उतना मैं डाली बेसन, उतना ही मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी। दूध भी मैं यहाँ पे 2 कटोरी ले रही हूँ, बस घर में 2 बार उबाला हुआ दूध है, थोड़ा गाढ़ा गया है और कुछ नहीं। और ये है चीनी, चीनी हम डबल लेंगे। जितना हम क्वांटिटी में बेसन या सूजी, बेसन या नारियल पाउडर लिए हैं, उतना ही मुझे चीनी नहीं लेना है, चीनी डबल करना है। 2 कटोरी हम नारियल पाउडर लिए हैं तो चीनी हमें 4 कटोरी करना है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है माप का। और यह है घी, घी हमें इसमें उतना ही डालना है जितना हम नारियल पाउडर लिए हैं, उतना ही हमें घी भी डालना है। घी मेरा थोड़ा जमा हुआ है, इसलिए मैं कटोरी पूरा ऊपर तक फुल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा कम कम डाल रही हूँ। पिघलने के बाद ये बराबर हो जाएगा, तो इसे पिघलाने की भी ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आपका घी जमा हुआ है तो आप ऐसे ही डालें। 2 कटोरी मैं घी भी डाल दी हूँ, तो बस हो गया। इतना ही इसमें रेसिपी ये डालना है सामग्री, इतना ही सामग्री को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दे रही हूँ, बिना गैस जलाए हुए अच्छे से हाथों से, ये चम्मच से, हाथों में चम्मच लेके आप फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स करें, गुठलियाँ वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, उसके बाद ही हम गैस चलाएंगे। तो ये बात का आप ध्यान रखें, बहुत ही स्वादिष्ट ये बर्फी बनेगी। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, सब सामग्री एक साथ मिक्स करनी है, बस गैस जला के 15 मिनट में ये बर्फी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी, झटपट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखिए, अब मैं इसका गैस जलाऊंगी, तो ये तब तक मैं पहले प्लेट भी ग्रीस करके रख ले रही हूँ, क्योंकि गैस चलाने के बाद बिल्कुल हाथ रोकना नहीं है, 10-15 मिनट लगातार हाथ चलाते रहेंगे तभी ये बर्फी तैयार अच्छा तैयार होगा, हाथ रोकने से अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ मैं प्लेट ग्रीस कर दी हूँ, 2 प्लेट को मैं ग्रीस करके रख दे रही हूँ, 2 में ये परफेक्ट फैल के आ जाएगा, जितना मोटा पतला हमें इसमें जमाना है। तो आप अभी देखिए, प्लेट ग्रीस करके एक तरफ रख दी, अब मैं गैस चलाऊंगी। तो गैस जलाने के बाद आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, गैस मैं अभी फुल पे रखूंगी, क्योंकि इसे अभी भूनते हुए क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा है, इसमें सब चीज़ बिल्कुल ठंडा था, कुछ भी पहले से गर्म नहीं था, न दूध न घी न ही कुछ मैं भूनी हूँ इसमें, बस एक साथ मिक्स की हूँ केवल। तो आप देखते रहिए, यहाँ अभी जैसे ही गैस जला है, घी पिघल गया है, चीनी पिघलना शुरू हो गया है, तो ये थोड़ा पतला हो गया है, अभी इसमें से हल्का बहुत छींटा भी उड़ सकता है, तो आप आराम से लगातार हाथ चलाते रहें इसमें, बिल्कुल ये चिपकना लगना नहीं चाहिए नीचे कढ़ाई में, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसका खुशबू फैलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल घी और जो इसमें नारियल पाउडर है, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा इसमें फैल रहा है, बेसन का भी आ रहा है खुशबू। तो ये आप भूनते हुए इसे साथ में पकाते जाएं, क्योंकि इसे अलग से भूना नहीं गया है, तो इसी टाइम ये भून भी रहा है, गैस हम फूल में ही रखे हैं। आपसे यदि चलाने में लग रहा है कि नीचे चिपकने लगे, तो आप गैस मीडियम भी कर सकते हैं, हाथ धीरे चलाना है, तो गैस यदि फूल पे है तो हाथ बहुत तेज़ी से चलाना है, बिल्कुल लगने नहीं देना है। तो देखिए, फटाफट से 10 से 12 मिनट ये लगेगा और बिल्कुल ये जमने के लायक होने लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना पे जमाना है इसे।
तो ये देखिए अभी गाढ़ा हो रहा है ये मिठाई। इस बार आप दिवाली में ज़रूर बनाइए झटपट से, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है ये बर्फी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, कोई झंझट भी नहीं है इसे बनाने में। तो देखिए ये अभी नीचे से आप देख सकते हैं गैस में फिर थोड़ा फुल कर दी, बीच में थोड़ा रोक दी थी। हाथ यदि लगे कि थोड़ा घुमाने में दिक्कत हो रहा है इसे लगातार चलाने में, तो थोड़ा गैस कम करें फिर आप थोड़ा बढ़ाएं। लेकिन इसी तरह से आप इसे 10-12 मिनट तक पकाएं, ज़रूर से ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बर्फी बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, अब लग रहा है कि ये जमने लायक हो रहा है। तो आप साइड से देखेंगे उसको टेढ़ा करके, आपको दिख जाएगा कि वाइट हल्का दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए इसका जमने का यही तरीका देखना है, आप गैस थोड़ा कम करें और साइड से उसे देख लें, वाइट वाइट सा दिखना शुरू होगा, जैसे कि चीनी जमने लगता है ऐसा आपको लग जाएगा। तो ये जमने का बिल्कुल ध्यान रखें, आप ज़्यादा टाइट करके जमाएंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी बर्फ़ी। तो इसलिए थोड़ा ये पतला ही दिखे, जैसे कि आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैं बंद कर दी, अभी वाइट हो गया है साइड से। तो आपको देखने से मालूम पड़ेगा कि कितना ये जमने के लिए तैयार हुआ है, वाइट वाइट सा हल्का दिखेगा साइड से। तो इसी तरह से मैं इसमें देख ली और ये हो गया है तैयार। तो अब मैं बस प्लेट में इसे निकाल रही हूँ, तो देख सकते हैं आप इतना ये अभी ढीला ढीला सा है, बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल टाइट हो गया है। तो ये ध्यान रखें आप, इसका टाइट नहीं होने देना है, बिल्कुल ऐसे ही ढीला ढीला सा इसका होना चाहिए पेस्ट। तो बस इसी टाइम मैं इसमें से सारा निकाल के दोनों प्लेट में इसे आराम से फैला दूंगी। इसमें ये एक और स्पून है मेरा, ये एक लकड़ी का है और ये एक प्लास्टिक वाला है, दोनों से मैं इसे अच्छे से दबाऊंगी। आपका इससे भी आराम से दब के अच्छे से चिकना हो जाता है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं लगा इलायची पाउडर का, क्योंकि इसका नारियल का खुशबू इसमें बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इसका नारियल का फ्लेवर ही बहुत टेस्टी रहता है इसमें, इसलिए मैं इसमें ये जो इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, बस ऐसे ही सिंपल है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो मैं कटोरी से भी इसे चिकना कर दी हूँ, आप भी कर सकते हैं। और ये अभी थोड़ा गर्म ही है, इसी टाइम इसमें चाकू से इस पर लाइन दे रही हूँ जो शेप चाहिए मुझे। तो ये बर्फ़ी का जो शेप होता है उसी तरह से मैं दोनों में दो तरीके का शेप लगा दी हूँ इसमें। ये देखिए कट लगा के मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दी हूँ, बस 5-10 मिनट छोड़ना है। पीछे से अभी प्लेट गर्म है चूँकि, आप देख सकते हैं, फिर भी ये बाहर आप निकाल सकते हैं इसे एकदम आराम से। और ये जम के तैयार हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ये चम्मच से ये चाकू से मैं दिखा दी हूँ इधर, देखिए ये जम गया है अच्छे से। तो अभी प्लेट में देखिए मैं कैसे निकालती हूँ इस तरह से। तो अभी आप देख लीजिए ये आराम से निकल गया है, अब बहुत ही सॉफ्ट ये बर्फी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल प्योर जो होता है ना घर का अपना, सब चीज़ आँखों के सामने बना है, अपने पसंद का घी, अपने पसंद का सब सामान वगैरह ला के आप खुद घर में जो स्वीट बनाते हैं उसका तो बात ही कुछ और होता है, मार्केट का कुछ और बात है, कौन कौन सा क्या मिला हुआ है उसमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ये शुद्ध घर का जो आप मिठाई होता है वो ज़रूर बनाएं इस दिवाली पे और इन्जॉय करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि कैसी लग रही है हमारी रेसिपी आपको। तो ये देखिए दूसरा प्लेट भी अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, बहुत आराम से निकल जाता है, दो बार ऊपर से टैप करें और पूरा बाहर ये निकल गया। देखिए अब इसे आराम से तोड़ के अलग अलग पीस आप कर सकते हैं, ये सेब पहले डालने से सही रहता है, नहीं तो जब जम गया उसके बाद आप इसमें सेब डालेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब पहले से आप कट लगा दिए हैं तो अच्छा सेब बन के ये निकल आता है। तो देखिए यहाँ पे बस आराम से आप डब्बे में रखिए, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, लंबे टाइम चलेगा, आप ज़रूर इसे इंजॉय करें और ज़रूर बनाएं इस दिवाली पे। तो देखिए है ना कितना टेस्टी, अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसे कितना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल से घुल जाने वाला बना है, मुंह में बिल्कुल डालते ही घुल जाएगा। तो ज़रूर आप इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।